All right, that was Fakhir with Kabhi Kabhi Pyar Mein. If I'm not mistaken, this was the original soundtrack of some drama that got up aired some time back. Kafi mashhoor hua tha ek zamane mein. Used to be pretty regular on FM channels across Pakistan. All right, good morning, Jindos Cinema Program. Abhi tune in kiya. It's a nice, slightly chilly morning here in Karachi. Main slightly abhi bhi usko jo hai na wo zara mohtaat rehke. Yes, bilkul, mausam mein tabdili zarur hui hai. Ye keh dena ke मौसम में बिल्कुल भी तब्दीली नहीं है, ये भी गलत बात है, लेकिन वो वाली सर्दी नहीं है जो कि मेरे ख्याल से जाहिर है बाकी शहरों में आप लोग का भी इंजॉय कर रहे होंगे. इट्स एक्सपेक्टेड टू रिमेन ड्राई फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ. अभी फिलहाल बारिशों का कोई इम्कान नहीं है कुछ दिनों तक, लेकिन खैर उसके बाद कहते हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक से There can be certain improvements in the weather, some rain and stuff. All right, so FIFA World Cup is go. FIFA World Cup ka ho gaya aagaaz aur kal Qatar mein rangarang taqreeb se unhone iska aagaaz kiya. Aur what a moment of pride. I mean, seriously, Qatar with an indigenous population, I mean the native population of just 300,000 people, sirf 3 lakh logon ki abadi, of course just 10-12% of their actual population is native, baki sare wahan immigrants rehte hain, but what a moment of immense pride for these Qatari people. Aur unhone jo hai is world cup ka jo hai wo inqaad kiya hai aur bahut zabardast arrangements kiye hain. Main subah न्यूट्रल चैनल्स को सुन रहा था. आई एम सॉरी टू से, आई एम अ वेरी रेगुलर लिसनर. मैं बीबीसी का एक बहुत रेगुलर सामे भी हूँ और नाजिर भी हूँ, और मैं बड़ा यही कहूँगा कि मुझे खैर कोई हैरत नहीं हुई है बरतानवी लोगों को. ज़रा असल में देखिए, वो जो हमने पिछली बार भी प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि मगरब जो है उन्होंने अपने सर्टन इस वक्त न्यू कॉलोनियलिज्म का दौर है, ज़ाहिर है अगर वो डायरेक्टली रूल नहीं कर सकते तो उनकी कोशिश ये ज़रूर होती है कि उनके जो अफकार हैं, उनके जो ख्यालात हैं, उनकी जो सोच है उसको पूरी दुनिया पर इम्प्लीमेंट किया जाए, और उसी उसी बेंचमार्क के थ्रू और उसी मयार के थ्रू वो पूरी दुनिया को जज करते हैं, पूरी दुनिया का जो है वो उसी बुनियाद, उसी लेंस से, उसी हद से देखने की कोशिश करते हैं, और यही कोशिश कतर के हवाले से भी जो है वो की जा रही है. मैं आज सुबह बीबीसी का न्यूज़ बुलेटिन सुन रहा था और उसमें उन्होंने आज आगाज ही चीज से किया कि amid all the controversies, the FIFA World Cup has started in Qatar. यार, come on, I mean that's the first. अच्छा जी, the local side was humbled by the Ecuadorians and they were outplayed by, they were embarrassed by. उन्हें come on, ये किस तरह की terminology? कोई और टीम अगर 2-0 से हार रही होती तो कोई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर, भाई अगर 7-0 से हार रहे हैं जिस तरह ब्राजील हार गया था जर्मनी से, इस तरह लगता है कि जी they were humbled, they were outclassed, they were ridiculed, they were embarrassed. लेकिन यार बहुत अभी देख लेना, अभी यही इन्होंने जो बीबीसी के इस वक्त फ्रंट पेज पे भी जो मेन खबर आई हुई है, इट टॉक्स अबाउट द शैटर्ड ड्रीम्स. पहला मैच जीतना, बट कतरी कहां से एक्सपेक्ट कर रहे थे? इवन द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक ऑफ द कतरीज वुड हैव बीन एक्सपेक्टिंग अ ड्रॉ, पर है या आई मीन कम ऑन यार, कतर वी नो इज लाइक, आई मीन ये भी देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट कतर इज अ कंट्री विद जस्ट 300,000 पॉपुलेशन, ए लोकल पॉपुलेशन. It is ranked number 50 in the FIFA world, in the FIFA ranking. अगर आप देखेंगे, I think FIFA में कोई 208-210 members हैं, उसमें एक इतना छोटा सा पिन्ना सा मुल्क जो है वो 550वें नंबर पे. तो मैं भी कोई ना इन अरब्स और इन GCC का इतना बड़ा कोई फैन नहीं हूँ. मुझे पता है कि यार हर मुल्क की तरह इनके भी अपने मसाइल हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है कि यार इनको जो है ना वो ज्यादती की जा रही है. बट खैर चलें आगे बढ़ते हैं. और कैसी हसनैन आला ने आज का पहला मुझे ट्वीट किया, #sunriseadil पे आप भी मैसेज कर सकते हैं. मलिक जरीन कहते हैं, भाई क्या दुनिया भर में पाकिस्तान में अब भी नोट छापने का तरीका सोने चांदी के हिसाब से है या ये दौर गुजर चुका है? अगर गुजर चुका है तो अब तरीका क्या है? देखिए, ये दौर गुजर चुका है और ये दौर गुजरे हुए तकरीबन कोई अब मेरे ख्याल से 50 साल के करीब आ रहे हैं. एक सिस्टम हुआ करता था ब्रेटन वुड के, ब्रेटन वुड सिस्टम. आप चाहें तो उस हवाले से, मैं अभी कुछ अरसे पहले, फहीम साहब गवाही देंगे कि मैंने इसका जो है वो प्रोग्राम में जिक्र भी किया था एक बार, ब्रेटन वुड सिस्टम का. तो ये जब दुनिया, तो पीपल द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम द ब्रेटन वुड सिस्टम. अभी जो करेंसी होती है इसको आप फिएट करेंसी कहते हैं. आपको जितने नोट छापने आप छाप लें भाई, इसके पीछे कोई जो है ना वो नहीं है, इसके पीछे कोई ऐसा कीमती धात नहीं है, कोई मेटल नहीं है, कोई प्रेशियस मेटल नहीं है जो आपकी करेंसी को बैक करता है. हाँ, बहुत सारे ममालिक अपने गोल्ड के जखायर जो हैं वो ज़रूर मेंटेन करते हैं, लेकिन उसका उनकी करेंसी की वैल्यू से बहरहाल कोई ताल्लुक नहीं है. वो सिस्टम से दुनिया जो है
वो अब आगे बढ़ चुकी है और जितने नोट छापने आपको छाप ले, लेकिन मसला है कि आप जितने ज्यादा नोट छापेंगे आपके मुल्क में इन्फ्लेशन या अफरात जर जो है वो उतना ज्यादा होगा. शिराज खान कहते हैं सर योर फर्स्ट प्रेडिक्शन वेंट रॉन्ग. जी बिल्कुल, माय फर्स्ट प्रेडिक्शन वेंट रॉन्ग. इक्वाडोर डिफीटेड कतर 2-0. इसके अलावा हमारे दोस्त फराज साहब जो कि एक्चुअली दोहा में होते हैं कतर में, कहते हैं कंग्रेचुलेशंस टू कतर फॉर द सक्सेसफुल किक ऑफ ऑफ फीफा 2022. दोहा इज फुली डेकोरेटेड विद द फुल ऑफ टेंट्स, लाइट्स एंड फैन जोन्स. स्मोकिंग इन बैंड इन ऑल 8 स्टेडियम व्हिच इज अ गुड डिसीजन बाय द गवर्नमेंट. कतर लॉस्ट द गेम बट प्लेड वेल इन द सेकंड हाफ. हाँ बिल्कुल, कतर शुरू में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था. रिमेंबर दिस इज द फर्स्ट टाइम कतर इज पार्टिसिपेटिंग इन द फीफा वर्ल्ड कप और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आपने जो है वो किसी छोटे बच्चों को ला के जो है ना वो बड़ों के साथ खेलने को जो है वो दे दिया. बट दे डिड सेटल डाउन इवेंचुअली एंड आई रियली होप एंड रियली एक्सपेक्ट दैट दे वुड परफॉर्म बेटर गोइंग फॉरवर्ड. इसके अलावा नवाज अली भाई कहते हैं माई फेवरेट टीम इन फीफा वर्ल्ड कप. अच्छा जी, जबरदस्त. ओहो, नवाज भाई ने स्नैक वीडियो बनाई हुई. अब नवाज भाई के बताने की हमें जरूरत नहीं है कि उनकी फेवरेट टीम फीफा वर्ल्ड कप में कौन सी है. अरे ब्राजील को जीतना है फीफा वर्ल्ड कप. बिल्कुल, वैसे इस बार मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई वॉज जस्ट मैं अपने थोड़े से प्रोग्राम के लिए, अपने जो समर टीवी का प्रोग्राम, क्योंकि हमारे यहाँ ना जरा हमारे जो प्रोड्यूसर है उनको ना फुटबॉल में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है. नहीं, वो भी आज भी कह रहे हैं कि हम तो जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम अनाउंस हो रही है उसकी बात करेंगे. मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या करूँ इन लड़कों का. लेकिन द पॉइंट इज दैट मैं आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू ऑल द टीम्स एंड स्टफ एंड मैन दिस ब्राजीलियन टीम इज एक्चुअली क्वाइट गुड मैन. सीरियसली बहुत बैलेंस साइड है एंड अगर वो ये नहीं फीफा वर्ल्ड कप जीते ना तो फिर क्या होगा देखें आप. अच्छा, अब्दुल रजाक साहब कहते हैं 1,71,000 साल उम्र कैद तवील तरीन सजाएं क्यों दी जाती हैं. सर इसलिए दी जाती हैं बिकॉज अक्यूमुलेशन ऑफ क्राइम्स होते हैं ना बहुत सारे, उन्होंने उन पे जो इल्जाम होते हैं हर इल्जाम की एक अलग 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 सजा होती है. जाहिर है इंसान कितने साल और जी लेगा और क्या होगा सिलसिला, लेकिन सिर्फ ये बताने की बात होती है व्हाट इज द सिवेरिटी ऑफ द क्राइम, यानी कितना ज्यादा इस कत्ल का जो है वो, सॉरी कत्ल नहीं बोलूंगा मैं क्योंकि अभी जो एक ट्रेंड चल रहा है नंबर 2 पे वो कातिल ही लिखा हुआ है, कुछ सियासतदानों के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये लफ्ज इस वक्त, लेकिन इसलिए मुंह से मेरे कत्ल निकल गया. लेकिन मैं जुर्म की बात करना चाहता कि जुर्म की सिवेरिटी यानी जुर्म की जो इंतहा है वो किस हद तक है कि जी 1,00,000 कितने साल जो है ना वो कैद जो है ना वो उसको दे दी गई है उम्र. अच्छा जी, इसके अलावा अब्दुल रजाक साहब कहते हैं मलेशिया के इंतखाबात साबिक वजीर आजम महाथिर मोहम्मद लंकावी से अपनी नशस्त हार गए, सियासी जिंदगी की पहली शिकस्त. वैसे वाकई सीरियसली यार, सियासत हो या खेल हो, सही टाइम पे रिटायर होना ज्यादा लोगों को आता नहीं है. और महाथिर मोहम्मद मुझे नहीं पता कि अब क्यों इतने इंटरेस्टेड हैं. बाय द वे मलेशिया में कल जो है वो इलेक्शन हुए थे और इसमें जो है वो कल ये हुए और पहली बार जो है 53 साल के अपने सियासी करियर में पहली बार महाथिर मोहम्मद को जो है वो किसी इंतखाब में जो है वो शिकस्त हुई. ही इज 97 ईयर ओल्ड, वुड यू बिलीव, लाइक क्यों महाथिर साहब क्यों. लेकिन बस क्या कह सकते हैं, बहरहाल चलें जी मलेशिया के इलेक्शंस टाइम मिलता है तो कुछ जरा समझने की कोशिश करते हैं. इनके अभी सियासी मामला काफी अरसे जो है ना वो चल नहीं रहे हैं, ठीक है. जिसके अलावा अब्दुल रजाक साहब कहते हैं ईरानी इनकलाबी गार्ड्स का कर्नल हलाक. ईरान के शुमाल मगरब वोकान शहर में ईरानी मुजाहिरीन के हाथों कर्नल रजा अलमासी हलाक हो गया. हाँ जी, सुने उन्होंने भी 4 लोग मारे हैं वहाँ पे उनके नॉर्थ में, प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं भाई. अच्छा जी, इसके अलावा और क्या सीन है, और ये सीन है ना, नॉट दैट आई एम अ फैन. ये कौन है जी, सलीम ताहिर तोते वाला, ओके वेरी गुड. नॉट दैट आई एम अ फैन बट इट्स गुड टू सी कतर टेकिंग अ स्टैंड ऑन मॉरल पॉलिसिंग बाय वेस्ट अबाउट फीफा वर्ल्ड कप. ऑन द अदर एंड पाकिस्तानी एलीट हैज ऑफन प्रूव दैट दे कैन इजीली अबैंडन इट्स कल्चर एंड रिलीजन फॉर एन ऑस्कर. अच्छा खैर, मैं उससे भी इस पॉइंट से भी अग्री नहीं करता, लेकिन ये मुझे पता है आपने किसी से कॉपी पेस्ट किया, ये मैंने किसी और साहब की तरफ से वाला ट्वीट पढ़ा था. लेकिन मैं देखें, बात यही है कि ये आइदर और वाली तो कहानी नहीं है ना, दिस इज ठीक तो फिर ये गलत है. नहीं, जो कतर ने किया वही बिल्कुल ठीक किया, और अगर पाकिस्तानी जो है वो कोई पाकिस्तान के मसले की तरफ, अगर शर्मीन अवैध चुनाई जो है वो तेजाब फेंकने वाले मामले के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है, तो भाई ये आपके मुल्क का मसला है यार, इसको आप क्यों ब्रश अंडर द कारपेट करके खामोश हो जाए. यानी कम ऑन यार, ये भी तो मुनाफ़त है. बहरहाल अल्लाह को जवाब देना है जो जो ये बातें समझता है. आगे बढ़ते हैं जी. हाफिज इमरान साहब कहते हैं अब जबकि यूट्यूब पे शो अपलोड नहीं हो रहा, साउंड क्लाउड से शो अपलोड करने का तरीका ये है. ओहो, भाई ने तो पूरा तरीका बताया हुआ इसका, भाई बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच. इसके अलावा हमारे दोस्त क्या कहते हैं जी, जावेद साहब कहते हैं इंटरनेशनल मेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 19th of November. और इस सर ये तो गुजर भी गया, आपने बताया नहीं इंटरनेशनल मेंस डे. देखिए किसी को पता ही नहीं चला,
मेंस डे कुछ हुआ, शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ, खामोशी से चला गया, नोबडी इवन नोज अबाउट दैट. ये है इज्जत. ओके जी, और क्या सीन है? अताउर रहमान साहब कहते हैं, व्हाट एन एक्साइटिंग संडे यस्टरडे वाज, स्टार्टेड विद अ योगा गेट टुगेदर, मेट माय फार्मर टीम आफ्टर 15 इयर्स, followed Trump on Twitter and saw FIFA World Cup opening ceremony. Unable to understand why the West is criticizing Qatar. मुनाफ़कत है सर, मुनाफ़कत है. आप देखिए जो जो FIFA के प्रेसिडेंट हैं Infantino साहब, उन्होंने क्या जबरदस्त जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है Gianni Infantino ने, और उन्होंने जो है ना जो बात की है जिस तरह कि अगर माफ़ी मांगने की बात है जो कतर से कहा जा रहा है माफ़ी मांगो, तो उन्होंने कहा जी कि हमने जो यूरोप ने पिछले कितने हजार साल में किया है इस दुनिया में, तो हमें तो अगले उतने हजार साल दुनिया भर से माफी मांगते रहने चाहिए. सो ये मुनाफ़त है सर, हिपोक्रेसी है वेस्ट की, और कुछ भी नहीं. आगे बढ़ते हैं जी. डीजे सुमेर कहते हैं, फाइनली द वेट इज ओवर, कतर 2022 स्टार्टेड, टू बी ऑनर्ड इट वाज अ पुअर स्पेशल सेकंड हाफ, बोरिंग डिस्प्ले बाय द होस्ट नेशन, एब्सोल्यूट पैथेटिक गोल कीपिंग एंड फाइव प्लेयर डिफेंसिव लाइन. वो क्या करते हैं यार बेचारे, वो हल्की टीम है. देखिए ना, कतर वाले खेलते भी किन के साथ हैं फुटबॉल. अब AFC की टीमें जो होती हैं वो वैसे भी जनरली थोड़ी सी हल्की टीमें होती हैं ना. मैं एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की हवाले से जो है वो बात कर रहा हूँ. चलें जी, अभी हम बढ़ रहे हैं एक ब्रेक की जानेब, और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. बड़े जमाने आए हैं. अच्छा चलें जी, ठीक हो गया जी, गुड हो गया. और क्या सीन है? और ये क्या सीन है? ओए होए, ये क्या सीन है भाई? हमारे दोस्त फैसल साहब हैं ये. अच्छा, फैसल करीम साहब हमारे समा टीवी के कॉलीग हैं, और ये कुछ तस्वीरें उन्होंने भेजी हैं. इसके बारे में मुझे कुछ बताया नहीं भाई, ज़रा तफसीलात बताइए. तो बड़ा ज़बरदस्त तस्वीरें आपने भेजी हैं, कुछ ट्रैवल श्रैवल रिलेटेड. फैसल बड़े सैलानी किस्म के आदमी है, सैलानी से मुराद टूरिस्ट वाले सैलानी, नॉट द वेलफेयर ट्रस्ट. सो चैलेंज ये. ओके, और क्या सीन है? ऑलराइट, सो और जी बिल्कुल, मैं आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम थिंग्स. देयर इज अनदर मास शूटिंग इन अमेरिका, दिस टाइम इन कोलोराडो, और एक LGBT क्लब को जो है वहां पे टारगेट किया गया है. दीज इवेंट्स हैव बिकम सो कॉमन. ओके जी, ईरान का थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था. ईरान आज एक्शन में नजर आने वाला है फीफा वर्ल्ड कप में. ऑफ कोर्स फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस के हवाले से हम तफसील से बात करेंगे ड्यूरिंग आवर स्पोर्ट्स टाइम, आज जो हमारा 8 बजे के बाद टाइम होता है. पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी आज ऐलान हो रही है, तो वो हम उसकी कल बात करेंगे ज़ाहिर है. लेकिन अभी क्या सीन है, अभी ये कि ईरान के कैप्टन के साथ कल बड़े कुछ मुश्किल सवाल पूछे गए हैं, वो उस पर भी डेफिनेटली. कैप्टन जो है एहसान हज साफी जो है वो इज बिन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. ईरान की इस टीम में वो कोई उस लेवल के स्टार जा रहे हैं वो नहीं है जो कि उनकी लेट 90s की टीम में, उनकी जो गोल्डन जनरेशन फुटबॉल की मानी जाती है, इज दैट टीम दैट प्लेड इन द फ्रांस 98, और उसमें अली दाई उनके जो है वो मेन स्ट्राइकर हुआ करते थे अगर आपको याद हो. एंड अली दाई स्टिल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही वॉज द हाइस्ट गोल स्कोर इन इंटरनेशनल फुटबॉल बिफोर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है वो उनको पीछे छोड़ा था. लेकिन बहरहाल चलें जी, सो वील टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग एंड वॉट इज दैट, वॉट वर दोज डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड टफ क्वेश्चन जो कि ईरान के कैप्टन से पूछे गए. और ईरान के कप्तान ने जो है वो काफी नपे तुले अल्फाज में जवाब दिए, लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है कि ईरान की जो स्टेब्लिशमेंट है, जो उनके यहाँ रिलीजियस थियोक्रेटिक जो उनके यहाँ रूलिंग इलीट है, जो क्लास है, they're not going to like these answers. So what were the answer? चले बात करते हैं जिसके हवाले से जीशान बेग साहब मलेशियन इलेक्शंस का जिक्र करते हैं, और कहते ये हैं Malaysians went to polls on Saturday to elect a new government over a month after PM Ismail Sabri Yaqub dissolved parliament and called a snap general election. 21 million people were eligible to vote to elect nation's fourth PM in 4 years. ये बेसिकली ईरान में फॉर द फर्स्ट टाइम एक्चुअली द इलेक्शंस हैव रिजल्टेड इन अ हंग पार्लियामेंट. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. ईरान में जनरली इलेक्शंस टेंड टू बी डिसाइसिव, लेकिन पहली बार जो है मुल्क एक पॉलिटिकल लिम्बो में जो है वो इस वक्त आ गया है. लिम्बो से मुराद ये है कि ना इधर के ना उधर के, और परेशानी का आलम जिस तरह पाकिस्तान में भी इस वक्त, पाकिस्तान भी एक सियासी लिम्बो में ही है. और कम अज़ कम मलेशिया की इकानमी तो स्ट्रॉन्ग है, हमारी तो इकानमी के भी हालात बिल्कुल पतले चल रहे हैं आपको पता है. सो ठीक हो गया. अब क्या सीन है? अब ये सीन है दैट फरा मलिक कहती हैं, इंसान अपनी वर्क पॉलिटिक्स का रोना कहाँ रोए, दोस्तों को सिचुएशन समझ नहीं आती, कुलीग्स मजीद पॉलिटिक्स करने का मौका मिल जाता है, इस पर रोशनी डालें. देखिए फरा, वर्क पॉलिटिक्स जो है वो एक रियलिटी है, और
वी ऑल गो थ्रू दैट समटाइम. देर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशन जिनका कल्चर इतना टॉक्सिक हो चुका होता है. वैसे बाय द वे आई हैव टू गिव अ कॉर्पोरेट टॉक टुडे, सो उसमें आई विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक अप दिस थिंग बिकॉज इट रियली अफेक्ट्स योर मेंटल वेलबींग. अपने ऑफिस के अंदर घुसते ही, दफ्तर के अंदर घुसते ही, एक सियासी माहौल आपको देखने का मौका मिलता है. और मैं जाती तौर से ये समझता हूँ दैट इस पूरी की पूरी चीज़ का ताल्लुक जो है वो सीनियर मैनेजमेंट के फेलियर के साथ होता है. वो कोई एक शख्स भी हो सकता है या दैट स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कंपनी को चला रहे होते हैं, उनके अपने अंदर इतने मसाइल होते हैं और इतने इशूज होते हैं, या तो दे आर टोटली आउट ऑफ सिंक एंड आउट ऑफ टच with what is going on in the organization. और वैसे बच्चों के सुनने का टाइम होता है प्रोग्राम का, बच्चे बोलेंगे क्या अंकल, अदिल अंकल क्या बातें बोल रहे हैं, अदिल अंकल क्या बोल रहे हैं अब्बू, तो वो वाला मसला ही. आजकल तो अब्बू नहीं बोलते, आजकल तो बाबा बोलते हैं. बाबा अदिल अंकल क्या बोल रहे हैं ये, तो फरा ने पता नहीं किस तरह मुझे लगा दिया. लेकिन देखो यार एक रियालिटी है फरा, एंड मेरा ये ख्याल है कि इफ यू रियली कांट चेंज इट, यू गॉट टू ऑप्शन, यू चेंज द ऑर्गेनाइजेशन वन बट दैट्स नॉट दी इजी, सेकंडली ट्राई टू कट योर सेल्फ ऑफ दिस, अपने आप को इन चीजों से कटाने की कोशिश करें. स्टार्ट आइसोलेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम दीज पीपल. अगर तुम कर सकते, अगर आप कर सकते हैं, सॉरी मेरे मुंह से तुम निकल गया, अगर आप कर सकती हैं ये, तो अपने आप को ऐसे लोगों से जरा कट ऑफ करने की कोशिश कीजिए. आई नो दिस इज नॉट ईजी, गिव इट अ ट्राई. चले जी आगे बढ़ते हैं. फजल फैजी सलाम कहते हैं सबको फ्रॉम पिशावर, थैंक यू सो मच. और कल फैज की 38वीं बरसी थी. जुल्फकार अली कहते हैं कफस उदास है यारों सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले. यार ये तो बड़ा खूबसूरत, ये तो पता ही नहीं यार डॉक्टर जीशान ने ये हमें क्यों नहीं बताई बात के कल जो है वो फैज अहमद फैज की बरसी थी. चलें जी ओके. आसिम मंसूर साहब कहते हैं अगली साइड ऑफ द ब्यूटीफुल गेम. बिल्कुल आपने ये एक आर्टिकल शेयर किया है विच सेज डोमेस्टिक वायलेंस सर्जेस आफ्टर अ फुटबॉल मैच एंड्स. Alcohol is a major player in the relationship between the sport and abuse. And very, very valid point. I mean, seriously. आपको पता है कि European countries, especially France, जिन्होंने stadium के बाहर जो है वो alcohol sale, match के दौरान alcohol sale को ban किया हुआ है इसी वजह से. Because football जो है वो खेलते हुए बियर पे बियर चढ़ाते रहते हैं और फिर लोग जो है ना, जो बाज़ लोग तो खैर उनको फ़र्क नहीं पड़ता बियर पीने से, लेकिन बाज़ लोग उसमें नशे में आ जाते हैं और फिर पागलपना शुरू हो जाता है. बिकॉज अरे alcohol by itself is a cause for a lot of problems, which is why दुनिया के बहुत सारे मजाहिब जो हैं वो इस तरह के इंटॉक्सिकेशन से जो है वो अपने फॉलोअर्स को दूर रहने की ताकीद करते हैं, जिसमें हमें बड़े फख्र से कहना चाहिए कि हमारा मजहब भी जो है वो इसी बात की ताकीद करता है. अब ये आपको पता है रोना धोना लगाया हुआ इन लोगों ने. मैं तो अच्छा हाँ, सुबह बीबीसी को इस पर भी इशू था. अब वो इक्वाडोरियन फैंस थे, इक्वाडोरियन फैंस से मैच के बाद पूछ रहे हैं वो what you say about the ban on the alcohol consumption outside the stadium. उस पर इक्वाडोरियन कहने लगा See, when you are traveling across the world, you've got to respect the culture. So it is the culture of the Qatari people. We respect that. Doesn't really matter. I will go some other place and I'll have the alcohol. I don't need that. After the match, it was a beautiful thing. उसने shut up call दे दी BBC के बंदे को. Seriously यार. अच्छा जी, इसके अलावा हसन रिजवी कहते हैं, नहीं हसन रिजवी उनके बच्चे कहते हैं, जिनका नाम है हमजा, जयान और माहद. अदिल अंकल, how are you? Our midterm exam starting this week. Remember in our prayers. How about Dil Dil Pakistan today? दिल दिल पाकिस्तान कोई खास ओकेजन आज क्या कुछ हुआ था 21 अच्छा नहीं वो बेसिकली नहीं, वाकई दिल दिल पाकिस्तान हर रोज अभी चलाएंगे इंशाल्लाह, वक्त आने वाला जल्दी चलाएंगे दिल दिल पाकिस्तान. जमाल अनवर साहब कहते हैं प्लीज से हैप्पी फर्स्ट बर्थडे टू माय यंगर, हैप्पी फर्स्ट बर्थडे टू माय यंगर ब्रदर जवाद सन मिकाइल अनवर. Yesterday it was his first birthday. All right, so जवाद को उनके साहबजादे की सालगिरह. मिकाइल को कहने का तो कोई फायदा नहीं, मिकाइल को तो समझ में नहीं आना भी हो क्या रहा है, लेकिन जवाद को उनके साहबजादे की सालगिरह बहुत मुबारक हो. इसके अलावा दिशान बेग साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का शेड्यूल जो है वो शेयर किया है. जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो 2023 का शेड्यूल है वो हमारे सामने आ गया, और उसमें जो मुझे बड़े अफसोसनाक बात नजर आई है ना वो ये आई है दैट वी विल बी प्लेइंग जस्ट 7 टेस्ट मैचेस. यार ये गलत हो रहा है यार, हमें और टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए. लेकिन खैर चलें जी ओके जी. अच्छा ये कूल बड़ी, हर दफ़ा यही सवाल, तीन दिन से लोग यही सवाल पूछ रहे हैं यूट्यूब पे शो अपलोड क्यों नहीं हो रहा, और मैं एक ही जवाब दे रहा हूँ. अब तो जवाब दे दे के रट चुका है मुझे, लेकिन मैं घिस चुका है जवाब, लेकिन खैर anyway. अच्छा जी, इसके अलावा और क्या सीन है. अब्दुल रजाक साहब कहते हैं टॉर्च होटल इन दोहा कतर, टॉर्च होटल क्या बात है जबरदस्त. सलमान खलील साहब कहते हैं, नहीं उनके साहबजादे कहते हैं, आदिल अंकल आई एम मुस्तफा, 20th नवंबर वाज माय बर्थडे, यू विश मी यस्टरडे ऑन व्हाट्सएप, थैंक यू फॉर द विश, यू आर मोस्ट वेलकम माय डियर मुस्तफा, आई होप यू हैड अ प्रीटी कूल ऑसम सी बर्थडे. तहसीन अमजद कहते हैं नाइस चिली एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग. मेरा FM टीम क्रिएटेड अ प्रोमो अबाउट, या दे क्रिएटेड, अभी हमने चलाया है जी उसका प्रोमो, जिसमें स्कोर्स वगैरह बताए जाएंगे, नॉट इन माय प्रोग्राम बट ट्वाइस अ डे ये सिलसिला जो है वो हुआ करेगा. उमर कहते हैं डू यू थिंक ऑफ एनी पॉजिटिव
आउटकम ऑफ दिस पॉलिटिकल मैस. आई थिंक उमर मैंने काफी दफा इस पॉलिटिकल आउटकम के, इस पॉलिटिकल मैस की मैं सिल्वर लाइनिंग के हवाले से जो है ना वो बात करता रहता हूँ, बिकॉज इस बार जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस आया है इसकी नौयत जो है वो बहुत डिफरेंट है और बहुत मुख्तलिफ है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी नहीं लेकिन इसके काफ़ी दूरस असरात जो है ना वो पाकिस्तान में नज़र आएंगे. बिकॉज पाकिस्तान में जो मैंने पहले भी बात की थी, इस वक्त जो डिसीशन मेकिंग है, जो पॉलिटिकल डिसीशन मेकिंग है, वो पाकिस्तान के बड़े बूढ़ों से अब पाकिस्तान के जवानों के हाथ में शिफ्ट हो गई है. मैं पाकिस्तान के डेमोग्राफिक स्विच की बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. सो इस वजह से और नौजवानों को आप आराम से बुद्धू बेवकूफ़ बना के, इस तरह के गाने वाने चला के, ये चीज़ें करके आप नहीं कर सकते. वो बच्चा आज का सवाल पूछता है, आज का बच्चा बहुत इंक्विजिटिव है, और आज का बच्चा जो है ना उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस है इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो दसियों भी कुछ टैप ऑफ द फिंगर्स. ये वो हमारी वाली जनरेशन नहीं है जो 80s और 90s में हुई थी और हमें एक कहना चाहिए कि नैरेटिव जो है वो फीड किया गया था. आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए, इसलिए सिचुएशन जो है ना वो काफ़ी तब्दील. मैं मुझे ये लग रहा है कि ये इसके बड़े दूरस नतज जो है वो पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट दिस इज. अच्छा जी, इसके अलावा आसिफ अयाज साहब कहते हैं, कीपिंग योर लव असाइड फॉर फुटबॉल, हाउ विल स्पेंडिंग $29 billion बी जस्टिफाइड ऑन फुटबॉल वर्ल्ड कप? इज इट इकोनॉमिकली वाइबल? डू यू ऑल्सो फील इट्स एक्सट्रेविगेंट एंड कुड बी यूज वाइजली टू बिल्ड फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस 100 countries? नहीं, मुझे बताएं क्या कतर ने, आसिफ साहब, कतर ने ठेका लिया हुआ है क्या दुनिया में फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का? आप ये देखिए, वाई डू यू थिंक, आप ये क्यों सोचना चाह रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड कप्स करवाए जाते हैं, ये जो ओलंपिक्स करवाए जाते हैं, ये इसलिए करवाए जाते हैं कि मैं इससे कोई पैसे बनाने का मेरा इरादा है, या आई वांट इट टू बी फाइनेंशियली फीजिबल? नो सर, ये बेसिकली करवाए जाते हैं कि ये मुल्कों की जो है ये अपनी, देखें अब हर कोई मुल्क ये नहीं कर सकता, दुनिया में चंद सेलेक्ट ममालिक हैं. अब जस्ट इमेजिन दैट इन अरब कंट्रीज में इन अरबों के पास पेट्रोल डिस्कवर हुए हुए दहाइयाँ गुजर गई. आई थिंक 1933 वो साल था जब सऊदी अरब में या जजीरा नुमा अरब में जो है वो पेट्रोल पहली बार डिस्कवर हुआ था. हम तकरीबन अब 90 साल करीब बैठे हैं. आज से पहले किसी एक अरब कंट्री ने ओलंपिक या फुटबॉल वर्ल्ड कप, दूर की बात है जी, उन्होंने कभी नहीं किया. तो ये तो मुल्कों के लिए बड़े फख्र की बात होती है कि वो एक बेहतरीन, उनकी अपनी ईगो मसाजिंग होती है बड़ी ज़बरदस्त, और उनकी जो है वो अपने लिए बड़ा एक इमेज उनका बेहतर करने का एक तरीका होता है. अ लॉट ऑफ कंट्रीज दे अनाउंस देयर अराइवल बैक टू द वर्ल्ड. 1964 टोक्यो ने जब ओलंपिक्स जो है वो होस्ट किए थे, उन्होंने दुनिया को क्या बताया था? दुनिया को बताया था दैट आफ्टर दैट डिस्ट्रक्शन दैट टुक प्लेस 19 years back, Tokyo is back on the, Japan is back on the world stage. Similarly, South Korea, 1988 Seoul Olympics, kyun kiye the? Isliye kiye the batane ke liye that South Korea is no more that international backwater now. It is a developed country and we can host thousands of athletes. ye tarika hai sir, ye baatein hoti hain. Aur Qatar ke liye 20 billion 29 billion hain kya sir? Kuch bhi nahi hai sir unke liye. To jo is waqt gas ki prices international gayi thi, unhone kitne 100 billions jo hain wo kiye honge. Baaki puri duniya mein football phailane ka theka Qatar ne nahi liya hua. Ye jisne liya hua usko kaam karna chahiye uske upar. Main aapse ye kehna chahta hu, milte hain aapse is break ke baad. Don't go anywhere and keep listening. Ye hota hai na, aap sote reh jate hain aur phir aap jo hain wo gana auto pe chal jata hai aur kya keh sakte hain. Chale ji, okay fine. So here we are guys, here we are. Welcome back. Good morning. Jin doston ne program abhi tune in kiya hai, and here we are. FIFA World Cup ka zikr karne wale, because it is started now. This is one of the many discussions that we are going to have about the scores and stuff, because FIFA World Cup ka ibtidai match jo hai wo ho chuka hai, aur Qatar mezban mulk, unhone ranga ranga aghaz kiya इस टूर्नामेंट का. बट अनफॉर्चुनेटली कतर हैज आल्सो बिकम द फर्स्ट होस्ट एवर टू लूज द ओपनिंग गेम ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप. आपको पता है कि जो वर्ल्ड कप का मेजबान मुल्क होता है उसको वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के जो है वो सबर आजमा मरहले से और वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के जो है बहुत ही मुश्किल मरहले से जो है वो गुजरने से आफियत मिल जाती है, जान छूट जाती है. तो कतर भी जाहिर है इस बहाने पहली बार वर्ल्ड कप खेल लिया, लेकिन उनके वर्ल्ड कप का आगाज जो है वो इतना अच्छा नहीं हुआ, और कतर को जो है वो कल पहले मैच में, अ लॉट ऑफ पीपल माइट से दैट वाज अ प्रीटी बोरिंग मैच जो कि कल खेला गया दोनों टीमों के दरमियान, लेकिन बहरहाल जी एक्वाडोर ने उनको 2-0 से शिकस्त दी.
और अगर आप बात करें तो आई मीन एक्चुअली अगर आप स्टैट्स को देखें सो कतर लाइक दे हैड अ 47% पोजेशन, इक्वाडोर हैड अ 53% पोजेशन, कतर के हैड अ 5 शॉट्स ऑन गोल, इक्वाडोर है 6 शॉट्स ऑन गोल. सो कोई इतना बड़ा डिफरेंस दोनों के दरमियान था नहीं, लेकिन फिर भी जाहिर है कतर जाहिर है बहुत छोटा सा मुल्क है, इनका बड़ा लिमिटेड टैलेंट है. कभी मौका मिला तो वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट द एस्पायर एकेडमी. कतर में एक बड़ी जबरदस्त स्पोर्ट्स की एकेडमी है कॉल एस्पायर एकेडमी, और ज्यादातर जो इनके फुटबॉलर्स हैं दे आर द ग्रेजुएट्स ऑफ दैट एकेडमी. लेकिन बहरहाल जी फीफा वर्ल्ड कप इज गो नाउ, और आज फीफा वर्ल्ड कप में जो है बहुत सारे मैचेस होने वाले हैं. इनफैक्ट फीफा वर्ल्ड कप में आज अगर आप बात करें तो फिर वी आर गोइंग टू हैव लाइक 4 मैचेस दैट आर गोइंग टू बी, इनफैक्ट 3 मैचेस दैट आर गोइंग टू बी प्लेड इन द फीफा वर्ल्ड कप. सबसे पहले शाम को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे बड़ा दिलचस्प मैच होने वाला है, इंग्लैंड का मुकाबला होगा ईरान के साथ. अच्छा, इंग्लैंड जो है वो जाहिर है आई थिंक इस वक्त अपनी फुटबॉलिंग हिस्ट्री के अगर 90 एक बार फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं 14 दफा, 14 times they have managed to qualify, लेकिन जीते जो हैं वो ऑफ कोर्स सिर्फ एक दफा 1966 में, लॉन्ग टाइम बैक व्हेन इंग्लैंड इटसेल्फ होस्टेड द फीफा वर्ल्ड कप. और उसके बाद से क्वार्टर फाइनल ये पहुंचते रहते थे, सब कुछ रहता था इनका, पहुंच आगे नहीं पहुंच पाते थे. सर इंग्लिश प्रीमियर लीग इतनी मकबूल लीग है और सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी कारकर्दगी नहीं रहती थी. लेकिन ऐसा लग रहा है, अच्छा फिर उनके ये हुआ कि फिर कुछ साल पहले ना दे ब्रॉट इन अ न्यू मैनेजर ना कॉल्ड गैरेथ साउथगेट, और गैरेथ साउथगेट जो है उसने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा दिखाया. और पिछली बार भी इंग्लैंड जो है उनकी कारकर्दगी फीफा वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी रही और सेमीफाइनल तक पहुँचने में कामयाब हुए वो. और इस बार जो है अभी यूरोपियन चैंपियनशिप हुई थी जब दे होस्टेड देमसेल्फ, वहां पे दे लॉस्ट इन द फाइनल टू इटली. बाय द वे यू नो यूरोपियन चैंपियन इटली दे फेल्ड टू क्वालिफाई, वो फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने में नाकाम हो गए. सो दैट इज हाउ कंपेटिटिव यूरोपियन क्वालिफिकेशंस आर. अगर आपको याद हो नॉर्थ मैसेडोनिया ने अपसेट शिकस्त दी थी, और क्वालिफिकेशन का गालबन सबसे बड़ा अपसेट ये था, नॉर्थ मैसेडोनिया ने 1-0 से शिकस्त दी थी. फिर नॉर्थ मैसेडोनिया प्लेड अगेंस्ट पुर्तगाल, और पुर्तगाल ने उनको जो है वो फाइनल में शिकस्त देकर यूरोप की जो द लास्ट स्लॉट थी गालबन वो उन्होंने जो है वो हासिल की थी. सो मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ बिकॉज इंग्लैंड की टीम जो है ना लुक्स लाइक द दे हैव हिट द पर्पल पैच राइट नाउ. और आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर कॉलिंग देमसेल्फ द डार्क हॉर्सेस फॉर दिस वर्ल्ड कप. क्रिकेट में तो आपको पता है कि इन्होंने 2015 के बाद ही जो है ना अपने हालात दुरुस्त कर लिए थे, और इस वक्त दे आर द ओनली टीम जो कि लिमिटेड ओवर्स के दोनों वर्ल्ड कप की जो है ना वो इस वक्त चैंपियन है. लेकिन उनकी फुटबॉल टीम भी जो है ना उसकी कारकर्दगी इतनी कोई बुरी है नहीं. सो इंग्लैंड का मुकाबला आज ईरान के साथ होने वाला है. ईरान की अगर हम बात करें ऑफकोर्स सो ईरान इज नॉट अ वेरी रेगुलर पार्टिसिपेंट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप, ऑफकोर्स नॉट लाइक इंग्लैंड. इंग्लैंड जिस तरह लाइक रेगुलरली जो है फीफा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहा होता है. ईरान का आई थिंक जो सबसे नोटेबल पार्टिसिपेशन अगर आपको याद हो 1998 में फ्रांस 98 में दे क्वालिफाइड, जहां पे उनका अमेरिका के साथ मुकाबला हुआ था. बाय द वे इनके ग्रुप में इस बार भी अमेरिका है, और इस बार भी इनका अमेरिका के साथ जो है ना वो बड़ा हाई प्रोफाइल एक क्लैश होने वाला है. और उसमें जाहिर है आपको अगर याद हो तो उन्होंने कामयाबी हासिल की थी अमेरिका को, उन्होंने ईरान ने जो है वो शिकस्त दी थी. ईरान की टीम में अब वो जो मैं सुबह भी जिक्र कर रहा था कि लेट 90s में उनकी ना गोल्डन जनरेशन जो है ना वो फुटबॉल खेला करती थी, बहुत बड़े बड़े नाम उसको हुआ करते रहे, जिसमें कुछ यूरोपियन फुटबॉल में भी खेला करते थे. आपके अली दाई का मैंने जिक्र किया था, करीम बगैरी हुआ करते थे, महदवी किया एंड स्टाफ, और बड़े अच्छे इनके जो हैं वो प्लेयर्स हुआ करते थे. लेकिन अब जो है ना इनकी टीम में वो उस लेवल के तो स्टार नहीं है. सो लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी फ्रॉम द इरानियन टीम. लेकिन बहरहाल जी दे आर देयर, फीफा वर्ल्ड कप में पहुंचे हैं. बाय द वे ईरान हैज़ द फीफा रैंकिंग ऑफ नंबर 20, और इनके जो जो मैनेजर हैं कार्लोस क्वेरोस, वो अच्छे मैनेजर शुमार किए जाते हैं. ही हैज गॉट अ डिसेंट रिकॉर्ड एंड दे हैव गॉट लाइक 4 वर्ल्ड कप अपीयरेंसेस. सो इनकी 4 वर्ल्ड कप में 4 दफा जो है ये हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन हर दफा जो है ना ये ग्रुप स्टेज में पहुंच के ये बाहर हो जाया करते थे. तो अब इस बार देखते हैं कि वो कुछ कर पाते हैं या नहीं. जहां तक इनके प्लेयर टू वॉच आउट, देखिए अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इंग्लैंड, देखिए सो देयर इज हैरी केन. ठीक है जी, सही है, टॉटनहम हॉटस्पॉट का खिलाड़ी है, रोतू खिलाड़ी है, जबरदस्ती की पेनल्टियां मिल जाती हैं उसको, इसका इंग्लिश रेफरी बड़ा ख्याल रखते हैं. लेकिन जो भी है 51 गोल स्कोर कर चुका है, इज द सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर फॉर इंग्लैंड
आफ्टर वेन रूनी और 75 दफा कैद कर चुके हैं. तो ये है लाइक गोल स्कोर करता है ये बंदा और प्रीमियर लीग में भी जो है ना सही है पेनल्टीज बहुत मिलती हैं इसको लेकिन गोल स्कोर करता है बहरहाल. लेकिन अगर हम ईरान की बात करें सरदार अजमू उनके एक खिलाड़ी हैं हु प्लेस फॉर बायर लेवरकुसन वन ऑफ द वेरी फ्यू ईरानियन प्लेयर्स जो कि यूरोपियन लीग्स में आप खेल रहे होते हैं. उन्होंने 41 गोल जो है वो स्कोर किए हैं 65 मैचेस में. आज जो एक और मैच होने वाला है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 9 बजे उसमें वो मुकाबला होगा सेनेगल और हम पाकिस्तानियों की इस साल मुत्तफिकल है फेवरेट टीम नेदरलैंड्स का. बिल्कुल तालियां नेदरलैंड्स के लिए. देखो नेदरलैंड्स की टीम के बारे में कहा जाता है इट्स द बेस्ट टीम दैट हैज नेवर वन द फीफा वर्ल्ड कप और लुई वान हाल इसके मैनेजर हैं. तीसरी बार जो है वो टीम के कोच कहते हैं ठीक है जी. तीसरी बार जो है ना वो उनको ये पोजिशन जो है वो मिली हुई है और इसमें नेदरलैंड्स की टीम यार बहुत लकी रहे हैं. लाइक यू नो दे हैव बीन रनर अप 3 times 3 times बेचारे फाइनल में पहुंचे जीतने में नाकाम रहे एज रिसेंट एज 2010 जो वाका वाका वर्ल्ड कप दैट शकीरा वाला कौन सा था साउथ अफ्रीका यस उसमें वो बेचारे फाइनल में खेले थे. दे लॉस्ट टू स्पेन इफ यू रिकॉल. इसके अलावा 5 times सेमीफाइनल खेल चुके हैं यार यानी बेचारों की है बैड लक है. वैसे वर्ल्ड नंबर 8 टीम है इस वक्त नेदरलैंड्स की. अच्छा नेदरलैंड्स का भी मैं आपको यही बताऊंगा मैं भी जब इनके प्लेयर्स की तफसीलात देख रहा था और सब कुछ था नेदरलैंड्स हैज अ रिलेटिवली आई वुड से स्लाइटली यंगिश साइड. उसमें कोई जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो एक जमाने में डेनिस बर्कैंप हुआ करते थे पैट्रिक क्लाइवर्ट हुआ करते थे एंड रूड वैन नेशनल रॉय और कौन होता था वो अपना स्नेक हमारा क्या नाम था उसका रॉबी वैन पर्सी वो उस लेवल के प्लेयर जो है ना अब नेदरलैंड्स की टीम में वो है नहीं. मेम्फिस डीपाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते थे बट प्रीटी फेलियर वहां पे वो साबित हुए थे. लेकिन ये स्कोर्ड अ लॉट ऑफ स्कोर लॉट ऑफ गोल्स देयर. लेकिन ऑफकोर्स उनके जो मिडफील्डर हैं डी योंग ही इज आई थिंक फ्रेंकी डी योंग ही इज अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर बाय द वे गुड प्लेयर बार्सिलोना के लिए खेलते हैं. He has played 45 matches, लेकिन एक गोल भी जो है वो स्कोर करने में कामयाब. अब बात करते हैं जरा सेनेगल के हवाले से और सेनेगल का अगर हम जिक्र करें तो सेनेगल के लिए इस वर्ल्ड कप से पहले ही कुछ दिन पहले ही 2 या 3 पहले ही अभी ये खबर आई थी विच वॉज अ वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज थे. उनके जो टॉप प्लेयर हैं जो कि लिवरपूल के लिए रिसेंटली अब तक खेलते रहे फिर बायर्न म्यूनिख के लिए खेले इसने सादियो माने अनफॉर्चुनेटली इंजरी की वजह से जो है वो इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. सेनेगल की जो वर्ल्ड रैंकिंग है दैट इज नंबर 18 विच इज क्वाइट गुड बेटर टीम देन ईरान एज फार एज द रैंकिंग इज कंसर्न. 2 times वर्ल्ड कप में वो अपियर हो चुके हैं. दे प्लेड इन द क्वार्टर फाइनल इफ यू रिकॉल बड़ी जबरदस्त इनकी कारकर्दगी रही थी वन ऑफ द रीसेंट वर्ल्ड कप्स. अगर सादियो माने अब नहीं है तो उनकी जगह हु इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर देयर इज अ प्लेयर हु प्लेस फॉर वॉटफोर्ड. वॉटफोर्ड आप जानते हैं कि इंग्लैंड सेकेंड डिविजन साइड है और चैंपियनशिप जिसको कहा जाता है वहाँ पे उसके लिए खेलते हैं. इस नेम इज इस्माइल असार 24 साल के हैं 45 मैचेस खेल चुके हैं सेनेगल के लिए एंड स्कोर 10 गोल्स. सो या दिस इज जस्ट आज फिर रात मिडनाइट जो है वो एक और मैच होने वाला है और मिडनाइट जो ये मैच होने वाला है उसमें अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनका मुकाबला होने वाला है वेल्स के साथ. ऑलराइट जी यूनाइटेड स्टेट्स की टीम की अगर आप बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में जाहिर है अब जो है ना वो काफ़ी सारे प्लेयर आ चुके हैं जो कि आपको नजर आते हैं वो बिन प्लेइंग इन इंग्लिश प्रीमियर लीग एंड यूरोपियन लीग्स में जो है. सो फुटबॉल वाकई हैज कम ऑफ एज इन अमेरिका. अगर हम अमेरिका की बात करें तो उनके यहाँ अब आई थिंक इस लेवल की प्लेयर्स आ रहे हैं मुसलसल जो कि नेचुरली वर्ल्ड लेवल के पे जो है ना वो कम्पीट कर सकते हैं. लेकिन बहरहाल मेरे पास जरा टाइम का हमें मौका मिलता है आगे चल के इसके हवाले से बात करेंगे. लेकिन इफ़ यू आस्क मी अबाउट द फेवरेट फॉर टुडेज गेम ऑफ कोर्स इंग्लैंड ईरान के मैच में इंग्लैंड जीत जाएगा आराम से. यूएसए वेल्स का गेम ना यार टफ मैच होगा मैं आपको बता रहा हूँ. ये मैच ड्रॉ भी हो सकता है और अगर आज वेल्स जीत जाए तो फिर आप हैरान मत होइएगा. और तीसरे मैच की अगर मैं बात करूँ सेनेगल नेदरलैंड्स यार अब नेदरलैंड जीत जाएगा मुझे लग रहा है. बिल्कुल चले मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़र. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. अच्छा मैं ईरान के कप्तान का जिक्र कर रहा था. ईरान के जो कप्तान है एहसान हजसाफी उनसे कल ये सवाल पूछा प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में अबाउट द सिचुएशन इन ईरान और उन्होंने जो है अपने बयान में जो है वो ये बात बोला दैट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट द कंडीशन इन आर कंट्री इज नॉट राइट एंड आर पीपल आर नॉट हैप्पी. यानी हमारे लोग जो हैं वो खुश
नहीं है. Before anything else, I would like to express my condolences to all the bereaved families in Iran. They should know that we are with them, we support them, and we sympathize with them. यानी ईरान के जो फुटबॉल के कप्तान हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि उन्होंने बेसिकली जो ईरान में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आपको पता है कि ईरान में ये जो वाकया हुआ था महसा अमीनी नामी लड़की के साथ, जिसको उसकी पुलिस की कस्टडी में मौत हो गई थी बिकॉज शी वॉज नॉट वेयरिंग द हेड स्काफ अकॉर्डिंग टू जो उनके यहाँ उसूल जवाबित जो हैं वो सॉर्ट ऑफ बनाए गए हैं. तो उस वजह से इनसे ज़ाहिर है ये सवाल तो पूछ जाना था, लेकिन अगर आप उसको सुने भी ना बोलते हुए तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि वो बहुत अपने अल्फाज को वजन कर करके जो है ना वो उनको बोल रहा है. लेकिन फिर भी ज़ाहिर उसने ये बात की है. नाउ हाउ वुड दिस दीज आई मीन बज़ाहिर उसने हमदर्दी का इजहार किया है, उसने ये बात हरगिज़ नहीं बोली कि जी ईरान के खिलाफ आलमी साजिश हो रही है और हम ये होने नहीं देंगे और ये फलाना. लेकिन जो भी है सिलसिला, आप देखते हैं ईरान के कप्तान में कोई ऐसा ना हो कि इसको ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप ही कह दें, आजा बड़ा अभी तेरी हमदर्दियां निकलवाते हैं, जरा कोई भरोसा नहीं है भाई. चलें जी, ओके. ऑलराइट, ब्राजीलियन फैन इन मलीर कराची, क्या बात है. नवाज अली भाई ने जो है ये वीडियो हमारे साथ शेयर की है और ये मैंने आपके साथ रीट्वीट भी कर दिया. जस्ट चेक आउट द पैशन एंड सपोर्ट फॉर द ब्राजीलियंस देयर. वाह. इसके अलावा क्या सीन है जी, जीशान बेग साहब, रब्बा सच्चा, बिल्कुल तेनू आखिया सी जाओ बंदिया जगदा शातू, जबरदस्त. ये जो है ना आतिफ असलम का एक सॉन्ग है, जिसके दो तीन वर्जन हैं, बट दिस इज अमेजिंग. वेयर टू लिसन टू योर रिकॉर्डेड प्रोग्राम नाउ अब्बास. अब्बास से मैंने काफी दफा अब्बास की बात बताई है कि हमारा रिकॉर्डेड प्रोग्राम अब साउंड क्लाउड, अगर आपको याद हो आपसे कुछ महीने पहले हम साउंड क्लाउड पर ही अपना प्रोग्राम जो है वो अपलोड किया करते थे, ऑडियो ओनली प्रोग्राम वो हुआ करता था. सो प्लीज चाहिए और उसको जाके सुन लीजिए वहां पे. थैंक यू सो मच. देन हसनैन कहते हैं, टेल समथिंग अबाउट द ओपनिंग सेरेमनी of the World Cup, especially the feedback of the viewers about this. यार देखिए मैं आपको जनरली बताता हूँ हसनैन, ये जो ओपनिंग सेरेमनीज टाइप जो चीज़ें होती हैं ना, इनके फीडबैक नेगेटिव ही होते हैं. मैं तो ऑनेस्टली इस पूरी ओपनिंग सेरेमनी के कॉन्सेप्ट पे ही एक मेरा सवालिया निशान है. मैं भी PCB के भी एक आला उहदेदार के साथ में बैठा हुआ था और उनको भी मैं यही कह रहा था कि यार जस्ट हैव अ कर्टन रेजर सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बिकॉज लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इन सेरेमनीज में, हासिल वसूल एट द एंड ऑफ द डे इनका होता ही नहीं है. पब्लिक एंड में ये कह रही होती है भाई ये क्या था यार, सीरियसली. शाहीन ताहिर कहती हैं, अच्छा जी नाइस सॉन्ग सजनीम चलाया था, आपको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू. आतिफ दिलदार कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ब्राजील हैज वन द फुटबॉल वर्ल्ड कप 5 times व्हाइल अर्जेंटीना एंड जर्मनी हैज वन इट 4 times. एवरी टाइम ऑडियंसिस नंबर्स आर ग्रोइंग बिग एंड बिग. बिल्कुल जी, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है, फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पोर्टिंग इवेंट होता है और इट इज वेरी पॉपुलर ऑफ कोर्स. एंड देन वी हैव गॉट जीशान बेग साहब, क्या कहते हैं जी, हैप्पी 46th बर्थडे टू सलीम इलाही. यार आप भी क्या प्लेयर्स लेकर आए, क्या लोग लेकर आते हैं जीशान बेग साहब, सलीम इलाही को हैप्पी बर्थडे. यार सलीम इलाही ने भी स्टार्ट अपने करियर का ठीक लिया था यार, लेकिन वो बस कैरी ऑन नहीं कर पाया यार. कुछ उन्होंने बैक टू बैक सेंचुरीज वगैरह मुझे याद पड़ रहा, उन्होंने जो ना वो स्कोर की थी. रसीम जिलानी कहते हैं, यस्टरडे वाज वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, प्लीज शेयर समथिंग अबाउट पेरेंटिंग इन कंटेम्पररी ईरा. सर मैं आपको 2 या 3 मिनट में इसके हवाले से जो है ना तो बात, फिर वही बात अक्सर टॉपिक में आप भी ये कहते हैं कि अदील अपने जो है ना वो दामन छुड़ा लेता है ये बातें करके कि भाई इस पर तो पूरा प्रोग्राम, मगर सीरियस दिया है कि मैं कोई बीच में कोई ऐसी बात कर दूं जो वो एक तशनी की रह जाए. इतनी पेरेंटिंग एंड ऑल इतने कॉम्प्लिकेटेड और इतने कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक्स हैं कि इसको आप चंद मिनटों में तो उसको नहीं समा सकते इस पूरी बात को. अच्छा जी, फहीम अली खान कहते हैं, माय फेवरेट टीम इज स्पेन सिंस देयर विक्ट्री इन 2010 वर्ल्ड कप. द वे स्पेनिश टीम प्लेज इज ब्रिलियंट. यार इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि स्पेन की जो टीम थी, स्पेशली वो जो स्पेन की गोल्डन जनरेशन खेली थी इन द फीफा वर्ल्ड कप 2010 की जो आप बात कर रहे हैं, वो बड़ी कमाल टीम थी, इसमें हरगिज कोई शक नहीं. आई थिंक वो उनकी गोल्डन जनरेशन थी एंड दे हैड टू विन. वो बड़ा वो सही हुआ कि वो जो है ना फीफा वर्ल्ड कप जीते. लेकिन अभी जो स्पेन की टीम है, मेरा ये ज़ाती तौर से ख्याल है कि उसमें ना यार वो एक तो उसमें ज़रा थोड़े तजुर्बे की थोड़ी सी कमी है. आई मीन ऑफ कोर्स देयर सर्जियो बस्केट जो कि उनके कैप्टन हैं और भाई इज़ लाइक 34 ईयर ओल्ड, बहुत मैचेस खेले हैं वो. लेकिन मैं अगर फॉरवर्ड लाइन अगर देखूँ ना तो इनके पास एल्वारो मोराटा ऑफ कोर्स एथलेटिको मैड्रिड के ये प्लेयर हैं, बट
ऑनेस्टली उस लेवल का प्लेयर मैं ये बोलूं कि यार के वाकई दे आर अमंग द फेवरेट्स. नो आई मीन दे कैन सरप्राइज अस, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जरा मुझे अब वो बात उस टीम में जो है ना वो नजर नहीं आती है. मुझे लगता है इनकी जो फेट है वो भी कुछ बार्सिलोना के फेट की साथ जो है ना वो रेजोनेट कर रहा है. यस ब्रिलियंट, दे हैव बीन ब्रिलियंट. लेट्स सी क्या होता है. नवाज अली कहते हैं इरानियन कैप्टन विल बी आस्क्ड और कॉल बैक. ही कुड बी कॉल्ड बैक. आई मीन यू नेवर नो, हो सकता है, ईराना को भरोसा नहीं है. अच्छा जी, अर्शद गुमरो कहते हैं विच टीम इज योर फेवरेट और यू सपोर्ट. यार मैं ऑनेस्टली आपको बात बताऊं, आई मीन अंटिल रिसेंटली आई हैव सपोर्टेड द फ्रेंच फुटबॉल टीम. देयर सम कनेक्शन दैट आई हैव सिंस द लेट 19 सिंस फ्रांस 98 एंड कहते हैं कि वहां से लेकर बिकॉज फ्रांस 98 एक ऐसा वर्ल्ड कप था कि जिसको मैंने लिटरली मैंने डूब के देखा है. मैंने बहुत इन डेप्थ जाके वो फीफा वर्ल्ड कप देखा है. और यस आई एम नॉट सेइंग आई डिड नॉट फॉलो इन 94 या आई डिड नॉट फॉलो 90 में तो खैर आई वाज वेरी यंग, बट 94 का यस आई न्यू टीम्स प्लेयर्स एंड ऑल. बट 98 वॉज द वन जब मैं यूरोपियन लीग्स फॉलो करना शुरू कर दी थी मैंने. आई न्यू द प्लेयर्स, आई न्यू द नेम ऑफ द मैनेजर्स एज वेल. थोड़ी बहुत फुटबॉल की टेक्टिक्स वगैरह भी समझ में आनी शुरू हुई, कौन सी टीम कैसी खेलती है, ये टोटल फुटबॉल क्या चीज़ होती है, टिकी टाका क्या होता है एंड स्टफ. सो ये चीज़ें तो मैंने 98 से आई थिंक आई हैव सपोर्टेड द फ्रेंच टीम. और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब आई एम बिकमिंग अ सॉर्ट ऑफ अ, अब ये वर्ड भी खान साहब ने इस वर्ड को जो है ना बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बिल्कुल तबाह कर दिया है बिल्कुल. लेकिन मैं अब बिकम अ सॉर्ट ऑफ अ न्यूट्रल नाउ एज फार एज सपोर्टिंग एनी टीम. सो आई एम ऑल फॉर, आई एम हेयर फॉर लव मैन. आई एम जस्ट प्रियंका चोपड़ा वन सेड, वी आर ऑल हेयर फॉर लव. सो आई एम हेयर फॉर गुड फुटबॉल. सो मे द बेटर साइड विन. आई मीन आई वुडंट माइंड ब्राजील विनिंग अगेन. एज आई सेड अर्लियर दे हैव अ वेरी गुड साइड. आई एक्चुअली won't mind Netherlands winning यार. Seriously, छोटा सा मुल्क है, जीतेंगे वर्ल्ड कप, थोड़ा सा शोर शराबा करेंगे फिर चुप हो जाएंगे. मुझे बस डर ये लगता है इंग्लैंड वर्ल्ड कप ना जीत जाए, वो पागल हो जाएंगे ये लोग यार, खुदाई कसम. ये तो फिर दुनिया पे हमला कर देंगे, आओ फिर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म. वो कहेंगे कि ये मलका की बनूती थी ये बादशाह सलामत आ गए, देखो हम जीत गए. सो खैर एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं. फराज क्या कहते हैं जी, अनुपम खेर वंस ट्राइड टू स्कूल किशोर कुमार फॉर सिंगिंग ऑन अ रॉन्ग नोट, द सिंगर रिप्लाइड आपके बाप का क्या जा रहा है. अच्छा कुछ नहीं पता वैसे इस चीज़ के हवाले से, लेकिन किशोर कुमार की बड़ी स्टोरीज हैं यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कैरेक्टर थे. और आसिफ अयाज साहब कहते हैं व्हाट अबाउट द क्रोएशियन टीम, व्हाट आर देयर चांसेस एंड इवन दे आर पार्टी स्पॉयलर्स. देखें क्रोएशिया की टीम तो इसमें खैर कोई शक नहीं है कि बड़ा ज़बरदस्त पिछले वर्ल्ड कप में आपको पता है कि दे केम वेरी क्लोज, एक्चुअली केम वेरी क्लोज टू इवन विनिंग द फीफा वर्ल्ड कप, लेकिन दे वर वेरी अनफॉर्चुनेट, दे लॉस्ट एट द वेरी लास्ट स्टेज. लेकिन अभी टीम अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है. एंड विद सम अमेजिंग प्लेयर लुका मॉड्रिच, एक काफ़ी उनके सबसे नोन प्लेयर हैं. सो एंड इवान पेरिसिच जो कि टॉटनहम हॉटस्पर्स के लिए खेलते हैं. So, anything can happen, my friend. Yeah, welcome back, guys. Ek baar phir se aapko khushamdeed kehte hain. This is the Sunrise Show with Neil Azhar. Good morning, and dosto ne program abhi tune in kiya hai. वैसे अभी इस break के दौरान किसी ने मुझे याद दहानी कराई कि यार कमाल हो गया आपने आज cricket का कुछ भी जिक्र नहीं किया program में. वैसे वाकई यार ये भी कमाल हो गया, ये कि cricket के matches भी हो रहे हैं, ये भी नहीं है कोई छुट्टी चल रही है कुछ चल रहा है. लेकिन मैंने जो है ना वो जिक्र भी नहीं किया कल क्या इंडिया ने हराया न्यूजीलैंड को भाई. और कल सूर्य कुमार यादव ने बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की, इंडिया जीत गया ये मैच 65 रन से. फिर उसके बाद जो पहला मैच तो वॉश आउट हो गया था. सुबह शाहीन शाह अफरीदी जो है उनका जी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है यार. शाहीन शाह अफरीदी को भी पता नहीं क्या नज़र लग गई है बेचारे को, भी हंसता मुस्कुराता हुआ नज़र आया था दो दिन पहले इंजी भाई की बेटी की शादी में अपने ससुर जी के साथ शाहिद खान अफरीदी के साथ जो है वो शाहीन अफरीदी जा रहे थे. और अल्लाह ताला जी शाहीन को सेहत कामिल अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन. और इसके अलावा कायदे आजम ट्रॉफी का मैच चल रहा है यार, उसमें खुर्रम मंजूर ने एक और सेंचुरी बना दी, 125 रन बना लिए. लेकिन खैर चले उसमें साथ जो अच्छी बात है वो ये कि सऊद शकील जो कप्तान है सिंध के, उन्होंने भी सेंचुरी बनाई 24 रन. तो सिंध ने जो है वो कर लिए 349 रन 75 ओवर्स में यार, 4.65. सो ये लाहौर में मैच हो रहा है, चलो शुक्र है मैं डर गया, मैंने कहा कराची में मैच हो रहा है, इस तरह की विकेटें फिर बना रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं यार. वो तो ऐसे ही लग रहा है, बट बहरहाल चलें सिंध लग रहा है, सिंध इज लुकिंग गुड यार, इस बार फाइनल खेलता हुआ नजर आ रहा है कायदे आजम ट्रॉफी का. अच्छा जी उसके अलावा और क्या सीन है, ये हो गई बात. और क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान हो रहा है भाई आज इंग्लैंड के खिलाफ
एक बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है ना वो सीरीज होने वाली है. और इसमें जो है वो यकुम से पहला टेस्ट, यकुम दिसंबर से रावलपिंडी में इंग्लिस्तान की टीम जो है वो पहला टेस्ट मैच खेलेगी. और इस टेस्ट मैच में ऑफ कोर्स पाकिस्तान की क़यादत बाबर आजम ही कर रहे होंगे, कोई तब्दीली उसमें नहीं आ रही. और पाकिस्तान की टीम का ऐलान जो है वो आज 11:15 अगर मैं गलती पर ना हूँ तो फिर जो है वो किया जाएगा. अब देखें ना, अब आज मैंने अभी एक अखबार में खेलों का सफ़ा खोला है, मजाल है जो फुटबॉल के अलावा आपको कोई जो है ना वो खबर मिल जाए. उमर अकमल क्रिकेट खेलने के ख्वाहां, ये खबर मिली है मुझे. ये खबर नहीं आती तो बेहतर था. मैं भी क्रिकेट खेलने का ख्वाह हूँ यार, मुझे भी खिलाएं क्रिकेट यार, सीरियसली यार. उमर अकमल की तस्वीरें भी आजकल आ रही हैं. वो एक जर्नलिस्ट है स्पोर्ट्स का, वो कुछ ज़्यादा ही इसके लिए लॉबिंग कर रहा है आजकल यार, यानी सीरियसली. चलो जी, मेम्फिस डिपाई हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाद पहले मैच से बाहर. लो ये नेदरलैंड्स के साथ तो ये यही सब इनका हाईएस्ट गोल स्कोरर है ये बंदा, एंड ही इज आउट ऑफ द गेम व्हिच इज प्रीटी सैड यार. टू मेनी इंजरीज यार. आई मीन इज इट बिकॉज के राइट आफ्टर द सीजन ये वर्ल्ड कप हो रहा है या क्या? नहीं, फ्रांस की टीम का तो अगर आप देखें, उनका तो बेचारों का हाल ही बुरा हो गया, हाल पतला हो गया फ्रांस का. आई मीन कितने सारे प्लेयर उनके, पॉल पॉगबा, कॉन्टे, हमें पता चला था वो बाहर होगा, लेकिन करीम बेंजीमा मिसिंग द फीफा वर्ल्ड कप. आई मीन इन फॉर्म स्ट्राइकर इनके, और वो भी वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले रहा है. सो आई रियली डोंट नो मैन, आई थिंक मे बी इट हैज टू डू के यार ड्यूरिंग द लीग जो है ये मैचेस हो रहे हैं, बट बिकॉज लीग का एक ब्रेक आया और उसमें ये मैचेस शायद ज्यादती की खिलाड़ियों जो मैच की प्ले टाइम की ज्यादती की वजह से ऐसा हो रहा है या क्या हो रहा है, वल्लाह आलम. दिस परहैप्स could be the reason. All right, जी, चलें जी, great. जल्दी से बात करते हैं ट्विटर के हवाले से. और ट्विटर पे जो है ना वो रोजाना ही, जिस तरह पाकिस्तानी सियासत में हर रोज एक नया ड्रामा हो रहा होता है और एक नई कहानी जो है वो आ रही होती है. लाइक कल की तो खैर वो बहुत ही लंदन से जो आई है ना, वो तो बहुत ही खुश किस्म की स्टोरी है खैर. लेकिन इलॉन मस्क भी जो है ना वो रोजाना के रोजाना जो है वो कोई ना कोई नई चीज जो है वो लेकर आ रहे हैं. अभी आपको पता है कि उन्होंने एक पोल जो है वो किया, और उन्होंने जो है ना वो पोल किया और उसमें उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो वापस बुला लेना चाहिए ट्विटर पे. इलॉन मस्क समझदार आदमी है, ही नोज दैट हैविंग पीपल लाइक डोनाल्ड ट्रंप ऑन ट्विटर इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर एंगेजमेंट एंड द पीपल. ज्यादा ज्यादा लोग जो है वो जाहिर है, आई मीन डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट वाज अ वेरी पॉपुलर अकाउंट, और डोनाल्ड ट्रंप अपनी कम्युनिकेशन के लिए ट्विटर के चैनल को काफी रेगुलरली जो है वो यूज किया करते थे. सो इसमें जो सीन आता है वो जाहिर है अब यही आता है कि उन्होंने लोगों ने आई थिंक 52% ऑफ द पीपल दे वोटेड टू रीइंस्टेट डोनाल्ड ट्रंप्स अकाउंट. अच्छा बाय द वे आपके भाई ने भी रीइंस्टेट. अब यार अब ट्विटर से तो बाहर ना निकालो. बाय द वे डोनाल्ड ट्रंप अभी भी इज नॉट श्योर, बिकॉज ये पहले भी ये बोल चुके हैं जब ये इलॉन मस्क का जिक्र आया था कि वो खरीद रहा है, उस वक्त भी ये बात आई थी कि इलॉन मस्क वुड मोस्ट प्रोबेबली ब्रिंग बैक डोनाल्ड ट्रंप बैक टू ट्विटर. लेकिन उस वक्त ट्रंप ने कहा था कि नहीं, उसको अब ना वो ज्वाइन करने की, ट्विटर ज्वाइन करने की ना कोई अब ऐसी चाह नहीं है, उसको कोई ऐसी जरूरत जो है ना वो इस हवाले से नहीं है. सो अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टेम्पटेशन है उस हवाले से. अभी कल एक बड़ा मजेदार ट्वीट भी किया है इलॉन मस्क ने. अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टेम्पटेशन है वो कहाँ तक उनको ले जाती है और कब वो उनकी ब्रेक होती है. एंड ही विल बी बैक. क्या क्या हो रहा है आज. And he will be back on Twitter. So that remains to be seen. इसके अलावा कानिए वेस्ट का तो I can tell you, वो तो खुश, वो वापस है और वो खुश है काफी ना, वो काफी ज्यादा ट्वीट्स भी करनी शुरू कर दिए. कानिए वेस्ट आपको पता है मशहूर सिंगर है वहां का, और वो और उसकी हरकतें ऐसी हैं उल्टी सीधी, लेकिन ये कि है मींस ही इज अ पॉपुलर गाय. और वो तो बस आज से वो ट्वीट किया जा रहा है खुशी में, बिकॉज ही इज वेरी हैप्पी दैट ही इज बैक नाउ. सो डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए जा रहे हैं, इस तरह की और बहुत सारी चीजें जो है वो द थिंग्स दैट यू विल बी सीइंग प्रीटी सून. सो ठीक हो गया. ओके, और क्या सीन है, और ये सीन है जनाबे वाला. हाँ जी चले, क्लाइमेट डील के हवाले से जरा कुछ बात करते हैं. उसके हवाले से पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए एक अच्छी खबर आई है. शर्म अल शेख से, मिस्र से, एक मेजर क्लाइमेट डील जो है साइन हुई है इन COP27. सो व्हाट इज इट अबाउट एंड हाउ कैन पाकिस्तान बेनिफिट, आई विल टेल यू आफ्टर दिस कमर्शियल ब्रेक. क्योंकि वक्त हुआ है कि अभी हम ब्रेक की जानिब बढ़े, और ब्रेक से वापस आके वी कम एंड विल ट्राई टू रैप अप आवर प्रोग्राम. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप
listening. All right, that was Atif Aslam with Rabba Sachiyan. And for me, today was good learning because our dost Dr. Zeeshan Beg ne jo hai, wo thodi der pehle ye share kiya tha. Iska Cook Studio version bhi hai, which is a very slow version, by the way. Honestly speaking, मुझे आज सुबह से पहले नहीं पता था that this is a Fez's कलाम और हमारे दोस्त शहजाद न्याज साहब जो कि खुद भी शायर हैं और हाइको शायरी जो है जापनीज जो एक फॉर्म है शायरी की उसमें शेर कहते हैं तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये फैज़ का जो है ना ये रब्बा सच्चिया डॉक्टर ज़ीशान ने इसलिए शेयर किया बिकॉज ये फैज़ का कलाम है. गालबन आप पॉइंट मिस कर गया, मैं इसलिए मिस कर गया बिकॉज मुझे ये बात पता ही नहीं थी लेकिन आज मुझे पता चल गई है. सो जबरदस्त जो इसका कुक स्टूडियो वर्जन है वो जरा थोड़ा लंबा है इसलिए मैंने नहीं चलाया लेकिन यार ये ना बड़ा कमाल आतिफ ने जो है ना ये रब्बा सच्चिया इसका आई ऑलवेज थॉट दिस इज अ बुल्ले शाह पोएम. वो बुल्ले शाह की ऐसी होती है ना पोएम और वो इसी तरह की बातें उसमें हो रही होती हैं. बट जबरदस्त जी ग्रेट ज़ीशान शहजाद साहब थैंक यू सो मच एंड डॉक्टर ज़ीशान एज ऑलवेज थैंक यू सो मच. अच्छा जी इसके अलावा नुमान खालिद कहते हैं टेस्ट मैच ऑन 1st दिसंबर इन पिंडी एंड धरना ऑन फैसलाबाद 26 नवंबर शुड हैव चेंज द वेन्यू. या आई थिंक बड़ी हैरानी की बात है बिकॉज काफ़ी हद तक ये बात क्लियर होती जा रही थी कि ये टेस्ट मैच जो है पहला ये शिफ्ट हो रहा है कराची में बट that is not happening and that did not happen. ab dekhte hain ji kis tarah isko manage kiya jayega. acha ji arshad imam sahab kehte hain do you think eden hazard lukaku and kevin de bruyne formed a dream team for belgium? yeah i think wo unki golden generation chal rahi hai belgium ki. belgium they can win of course world number 2 side hain ye aur kyun nahi jeet sakte isme koi shak nahi hai. arshad gumro kehte hain i would like to thank mr murtaza wahab as karachi roads are being repaired in bits and pieces till next monsoon season. sir next monsoon season kisne dekha hai ya agle local election ki taiyari aap bhi samajh nahi rahe hain yaar inki game but khair anyway chalen ji. iske alawa donald trump is back on twitter it is going to add a lot of spice. nahi donald trump to is back on twitter but is he planning to use the twitter account? abhi to unhone ye kiya na ki uske account ko reinstate kar diya. ab donald trump jo hai वो क्या ट्वीट करेगा पहला सवाल है तो डोनाल्ड ट्रंप पहला ट्वीट क्या करेगा. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पता नहीं क्या आई डोंट नो मस्ट बी फन. अच्छा जी इसके अलावा हाउ मेनी टूर्नामेंट डज फीफा अरेंज एज यू नो दैट आईसीसी अरेंजेस फोर टूर्नामेंट. फीफा टूर्नामेंट अगर आप टूर्नामेंट की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप ही होता है और कौन सा फीफा वेमेन का वर्ल्ड कप होता होगा. वेमेन वर्ल्ड कप भी काफी मेरे ख्याल से यही होता है और उसके अलावा कौन सा बड़ा टूर्नामेंट मैं सोचूंगा. बाकी कॉन्फेडरेशंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है आपको पता है यूएफा वगैरह एंड ऑल एंड देन द कंट्रीज की लीग्स एंड ऑल वो कर रहे हो. चलिए जल्दी से हम बात करते हैं अभी लेट्स टॉक अबाउट द कॉप 27 कॉन्फ्रेंस जो कि अगर आपको याद हो हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो इसमें गए थे और उन्होंने एक तकरीर भी की थी जो शर्म अल शेख ईरान माफ कीजिएगा मिस्र में ईरान का जिक्र हुआ है शो में शर्म अल शेख में जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई थी. उसके बाद हमारे वजीर आजम साहब वापस आ रहे थे पाकिस्तान कतर से लंदन चले गए थे. फिर लंदन में काफ़ी अर्सा उनका जो है वो क़याम हो गया उधर और फिर कोविड भी वहाँ से लगा लिया उन्होंने. सो ये उसी कॉन्फ्रेंस में गए थे. वो कॉन्फ्रेंस का बिलाखिर इख्तिताम हो गया और इख्तिताम हफ्ता पे और उसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई और दिलचस्प चीज़ जो उसमें हुई है वो ये हुई है कि इस कॉन्फ्रेंस में जो अग्री किया गया है ममालिक ने वो ये अग्री किया है कि जो दुनिया के सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाने वाले ममालिक हैं हिस्टोरिकली जिन्होंने जो है ना वो हमारी फिज़ा को तबाह और बर्बाद कर दिया है जिसकी वजह से मेजर क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं और मौसम में बड़े तगैर और तब्दीलियाँ जो हैं वो आ रही हैं वो उन ममालिक को एक बेसिकली दे आर गोइंग टू क्रिएट अ फंड. ये एक फंड क्रिएट करेंगे जो कि गरीब मुल्कों यानी वो ममालिक जिन पे इस मौसमियात की वजह से इस मौसमी तगैर की वजह से मौसमियाती तब्दीली की वजह से जिन पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है उनको वो एक अमाउंट पे किया करेंगे. नाउ क्या अमाउंट है क्या होगा ये सारा आपको पता है कि जो कॉप 27 कॉन्फ्रेंस होती है ये अंडर जो ब्रॉडर अम्ब्रेला है यूनाइटेड नेशंस की उसके अंडर होती है. सो अभी ये मामला आ गया है अप्रूव हो गया है. बाय द वे हमारी जो मिनिस्टर हैं फॉर क्लाइमेट चेंज शहरी रहमान साहिबा वो इसमें काफ़ी पेश थी और उन्होंने जो है वो काफ़ी कहते हैं अहम रोल इस पूरी चीज़ में प्ले किया है विच इज़ अ ग्रेट थिंग कंग्रेचुलेशंस टू हर एज वेल. और मैं बीबीसी बल्कि जब मैंने बीबीसी इस खबर का पेज छोड़ा था खोला था द फर्स्ट पिक्चर दैट आई सॉ वाज शेरी रहमान स्पीकिंग विच इज क्वाइट कूल. सो अभी ये फंड तो बना दिया है ये बातें सारी हो गई हैं लेकिन इस फंड में कब पैसे आएंगे क्या होगा जैसे कहते हैं ना कि मगर अब क्या कह सकते हैं ये हुकूमत अगर समझ रही है कि एक महीने में $3 बिलियन आ जाएंगे कि पाकिस्तान का एस्टिमेट है कि हमारा $40 अरब का नुकसान हुआ है. नॉट $40 अरब इज अ मैसिव सम. वी आर नॉट गोइंग टू गेट $40 बिलियन
हमें कोई 4-5 अरब भी मिल जाए इस वक्त, तो भाई ये पाकिस्तान के लिए गेम ऑन हो जाएगी सीरियसली इस वक्त. ये जो डारोनॉमिक्स इसहाक डार साहब सो नहीं पाएंगे कई दिन तक. अब तो डॉलर 180 पे लेकर आवे ही आवे, मैं लेकर आऊंगा एक बार फिर से. सो ये वाला जो है ना ये सीन है. सो देखते हैं जी अभी. लेकिन कहते ही हैं कि यार ये 2023 के एंड की कहानी है जब जाके इस फंड से पैसे रिलीज. तब तक तो ज़रा आपको पता है कि पाकिस्तान में नए इलेक्शंस भी हो चुके होंगे, नई हुकूमत भी आ चुकी होगी, और उस वक्त तक COP28 कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी होगी. मजेदार बात यह कि COP28 कॉन्फ्रेंस जो है वो होने वाली है मुत्तहिदा अरब अमारात में, विच इज़ अ प्रीटी इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज मुत्तहिदा अरब अमारात इटसेल्फ आपको पता है एक हाइड्रोकार्बन इकोनॉमी है. और स्पेशली मुझे नहीं पता दुबई में हो रही है अबू धाबी में हो रही है. अबू धाबी के तो अभी भी जीडीपी का जो बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है, दुबई तो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर चुका है, लेकिन अबू धाबी स्टिल रिलाइज अ लॉट ऑन द हाइड्रोकार्बन्स यानी ऑयल और गैस पे उनका जो है ना वो काफी ज्यादा निर्भर है. एनीवे गाइस वक्त आ गया, आप लोग इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोग से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होगी. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. दिस इज मेरा एफएम 107.4.